भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। बालाजी धाम में आप हनुमान चालीसा की इन पंक्तियों को साक्षात होते देख सकते हैं। यहाँ पर हनुमान जी बाल रूप में विराजमान है। बचपन में की गई लीलाओं के कारण हनुमान जी को बालाजी के नाम से जाना जाता है। यह स्थान है राजस्थान के दौसा जिले में स्थित श्री मेहंदीपुर बालाजी धाम, जो केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है नेगेटिव एनर्जीज यानी नकारात्मक ऊर्जाओं को आपके शरीर से बाहर करने के लिए। बालाजी धाम के बारे में अधिकतर लोग यही सोचते हैं कि यहाँ पर केवल वही लोग आते हैं जिन पर भूत प्रेत का साया है या किसी ने जादू टोना या किसी बंधन में बांध रखा है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। बालाजी महाराज सबका कल्याण करने वाले और अपने भक्तों को मनचाहा फल प्रदान करने वाले हैं। अगर आप किसी भी शारीरिक, मानसिक या आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं तो यहाँ पर आकर सच्चे मन से बालाजी महाराज के दर्शन मात्र से ही आपके सब संकट कट जाते हैं और अत्यधिक सुख का अनुभव होता है। मंदिर में 1 से 2 घंटे तक लाइन में लगने के बाद आप श्री बालाजी महाराज के दर्शन कर पाते हैं। मंगलवार और शनिवार के दिन यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी अधिक होती है और आपको लाइन में अधिक समय लग सकता है। इस धाम में घंटियों की नहीं चीखों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। मंदिर में सुबह और शाम 6 बजे के करीब आरती होती है। आरती के दौरान मंदिर में प्रवेश वर्जित होता है। इस दौरान मंदिर के बाहर ही भारी संख्या में भक्तजन एकत्रित होते हैं और उन पर पवित्र जल का छिड़काव होता है। ऐसा माना जाता है कि बालाजी की मूर्ति के नीचे एक कुंड है जिसका जल कभी समाप्त नहीं होता। बालाजी की इसी मूर्ति में महाराज के हृदय के पास एक छिद्र है जहाँ से निरंतर जल टपकता है और उसी जल का छींटा आरती के समय भक्तों पर लगाया जाता है। यह जल सब प्रकार के संकटों को दूर करने वाला है। इस जल को आप मंदिर के बाहर बने काउंटर से भी सुबह के समय में संकट वाले व्यक्ति के लिए ले सकते हैं। बालाजी आए भक्तों को दरबार में सुबह और शाम 2 बार दर्शन करने चाहिए और जब तक आप मेहंदीपुर में रहते हैं मांस मदिरा लहसुन प्याज का सेवन ना करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। दरबार में श्रद्धा भाव से भगवान के नाम के जयकारे लगाते हुए धैर्य पूर्वक दर्शन करने चाहिए और संकट से पीड़ित व्यक्तियों के लिए स्थान छोड़ देना चाहिए और उन्हें आगे जाने देना चाहिए। मेहंदीपुर धाम में बालाजी महाराज के दर्शन से ही सब संकट कटते हैं। यहाँ पर पंडित या ओझा के चक्रों से बचना चाहिए। बालाजी महाराज पर पूर्ण विश्वास करें, वो आपके हर तरह के संकट काटते हैं। बालाजी महाराज का ये मंदिर लगभग 1000 वर्ष पुराना बताया जाता है। मंदिर की स्थापना गोसाई जी महाराज द्वारा की गई थी। उनके स्वप्न में बालाजी महाराज आए थे और उन्हें मंदिर स्थापना का आदेश दिया था ताकि कलयुग में इस मंदिर से भक्तों के दुखों का निवारण हो सके। मंदिर में सबसे पहले दर्शन होते हैं बालाजी महाराज के और उसके बाद आप दर्शन करते हैं भैरव बाबा के और भैरव बाबा के दर्शन के बाद आप दर्शन करते हैं प्रेतराज सरकार के। मंदिर में ये तीनों देवता स्थापित हैं। बालाजी धाम में किसी से प्रसाद लेकर नहीं खाया जाता और मंदिर से बाहर निकलते वक्त पीछे मुड़कर भी नहीं देखा जाता। आप मंदिर में जो प्रसाद चढ़ाते हैं आप उसे मंदिर से बाहर निकलकर जरूरतमंदों को दे सकते हैं। बालाजी मंदिर में दर्शन के बाद दर्शन किए जाते हैं श्री राम दरबार के। बालाजी महाराज के मंदिर के बिल्कुल सामने ही है श्री राम दरबार ताकि बालाजी महाराज हमेशा श्री राम जी के दर्शन करते रहें। हनुमान जी को श्री राम जी के परम भक्त के रूप में जाना जाता है। श्री राम दरबार के साथ ही सजा हुआ है श्री कृष्ण जी का भव्य दरबार। यहाँ पर श्री राम जी और श्री कृष्ण जी की छवि मन को मोह लेने वाली है और इसके साथ ही मंदिर की सजावट भी काफ़ी भव्य है। भक्त जन बालाजी मंदिर में दर्शन करने के बाद यहाँ पर आते हैं और प्रभु चरणों में बैठकर उनका गुणगान करते हैं। भक्तजन मनोकामना पूर्ण होने पर यहाँ आकर सवामणि करवाते हैं। सवामणि में पूड़ी सब्जी हलवा लड्डू प्रसाद का भोग लगवाकर धर्मशाला में बांट दिया जाता है। मंदिर के बाहर बने काउंटर से आप सुबह 8 बजे से पहले सवामणि की पर्ची कटवाकर दोपहर 12 बजे सवामणि प्रसाद लेकर किसी धर्मशाला में ले जाकर बांट सकते हैं। सवामणि प्रसाद आप मंदिर के बाहर बनी दुकानों से भी बनवा सकते हैं। बालाजी मंदिर के बाहर ही बहुत बड़ा बाजार है और यहाँ पर काफ़ी भक्तजन खरीदारी करते हैं। बालाजी मंदिर से जाते हुए सिर्फ इस बात का ध्यान रखा जाता है कि भक्तजन अपने साथ कोई खाने पीने की वस्तु, कोई मिठाई या फिर कुछ सुगंधित वस्तुएं ना लेकर जाएं, क्योंकि इस तरह की वस्तुओं के साथ नकारात्मक ऊर्जाओं के जाने की संभावना रहती है।
बालाजी मंदिर के बाहर ही इसी बाजार में खाने पीने की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ पर कई छोटे रेस्टोरेंट होटल बने हुए हैं जहाँ पर आपको शुद्ध सात्विक भोजन बिना लहसुन प्याज के हर समय उपलब्ध होता है। मंदिर के बाहरी बाजार में यात्रियों के रहने के लिए कई होटल और धर्मशालाएं हैं। यहाँ पर आपको 300 से 1200 रुपए में नॉन एसी और एसी रूम मिल जाते हैं, वो भी पार्किंग के साथ। कई बड़ी धर्मशालाओं के अंदर ही खाने पीने की सुविधा उपलब्ध है, उनके अपने छोटे छोटे रेस्टोरेंट हैं। यहाँ पर कोई सरकारी पार्किंग नहीं है। अगर आप अपनी गाड़ी से यहाँ पर जाते हैं तो इन्हीं धर्मशालाओं में बनी प्राइवेट कार पार्किंग में आप मंदिर के पास ही अपनी गाड़ी पार्किंग के लिए लगा सकते हैं। अब बात करते हैं कि मेहंदीपुर बालाजी कैसे जाएं। इसके लिए मैं आपको एक सरल उपाय बताने जा रहा हूं। आप सच्चे मन से अपने नज़दीक के हनुमान जी के मंदिर में जाकर प्रार्थना करें कि बालाजी महाराज आपको अपने दरबार में बुलाएं, तभी आप जा सकते हैं बालाजी दरबार में। वैसे यहां पर पहुंचने के सारे साधनों की जानकारी मैं आपको इस व्लॉग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बालाजी मंदिर के दर्शन के बाद श्री राम दरबार के दर्शन और उसके बाद दर्शन किए जाते हैं समाधि वाले बाबा के, जिनका मंदिर पास ही बना हुआ है, जिन्होंने बालाजी मंदिर की स्थापना की थी। बालाजी मंदिर के सामने ही ये रास्ता जाता है तीन पहाड़ी मंदिर के लिए। तीन पहाड़ी मंदिर पर छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, जिसमें काली माता का मंदिर, अंजनी माता का मंदिर, भैरव बाबा का मंदिर, हनुमान जी के मंदिर और राम जी के मंदिर, इस तरह के कई छोटे छोटे मंदिर हैं। यहाँ पर आकर आप ऊपर से पहाड़ की चोटी से पूरे मेहंदीपुर बालाजी धाम को देख सकते हैं। मेहंदीपुर बालाजी धाम से जुड़ी और अधिक जानकारी के लिए इस व्लॉग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें। आपको ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपके पास कोई जानकारी है जिसे आप शेयर करना चाहते हैं तो उसे भी आप कमेंट में बता सकते हैं। जय बालाजी महाराज की।